अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू इरम ऑफिशियल फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ स्पेशल है, जो सर्दियों में खास तौर पर हम अपनी स्किन की किस तरीके से हम अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, यानी हिफाजत कैसे की जाती है, वो मैं आज आपको आज की रेमेडी में बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ों से आप सर्दियों में अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। खास करके गर्ल्स जो सर्दियों में ऐसा होता है कि सर्दी ज़्यादा लगने से हम धूप में बैठते हैं, धूप में बैठने से हमारी स्किन क्या होती है, डार्क हो जाती है और लोगों को बहुत आराम मिल रहा होता है कि धूप में हमें सुकून मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी स्किन ख़राब हो रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा। आज की वीडियो आप एंड तक देखिएगा और आपको कैसे पता चलेगा कि हम अपनी स्किन की कैसे हिफाजत कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों से शेयर लाजमी कीजिएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए एक छोटी सी, मैंने यहाँ पे प्याली ली है और उसके बाद मैंने यहाँ लिया है माल्टा का जूस, यानी कीनो का जूस। इसके कीनो के यानी जो माल्टा होता है उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जूस भी काम की चीज़ होती है और यहाँ तक इससे ज़्यादा जो इसके छिलके होते हैं माल्टा के, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके फ़ायदे बताऊंगी। बहरहाल आज की वीडियो में आपको मैं एक स्किन केयर करने वाला मास्क बताने जा रही हूँ, जो आपकी स्किन को केयर करेगा, ऑरेंज मास्क बताने जा रही हूँ। तो शुरू करती हूँ। यहाँ पर जितना भी मैंने लिया है वो सारा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पहले हम मिकदार चेक करेंगे कि कितनी मिकदार है। एक, दो, तीन खाने के चम्मच हमने लिया है ऑरेंज जूस, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी, जो कि आप जो केमिकल से पाक है, चेहरे के लिए कुदरती एक तोहफा है। मैं यहाँ पे ये ऐड करूँगी। पहले वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बॉडी जो कॉफ़ी बॉडी मास्क बनाया था, उसमें भी मैंने मुल्तानी मिट्टी ऐड की थी। इसे करने से हमारी स्किन की जो हमारी स्किन पर ग्लो भी आती है मुल्तानी पाउडर से, और यहाँ तक के हमारी स्किन की केयर करने में भी हमारी मदद करता है ये। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जितने हमने ये चम्मच लिए हैं, तीन खाने के चम्मच मैंने ये ऑरेंज जूस लिया है, यानी माल्टा का जूस लिया है, और मैं इसमें दो खाने के चम्मच में इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में हमें ऐड करना बताती हूँ। हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ऐसा नहीं कि दाने दाने रह जाएं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और याद रहे कि जो माल्टा हमने यहाँ पे जूस ऐड किया है वो माल्टा खट्टी नहीं होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ एलोवेरा जेल, ये मैं हाफ लूँगी। उसके बाद जो हमारे लास्ट है, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा पतला हो गया, तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें थोड़ी सी और मुल्तानी पाउडर है जो वो ऐड कर देती हूँ। अब हम अपना मास्क तैयार करते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब जो हमें लास्ट है वो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। आपने कोई भी यहाँ पे लोशन लेना है, मेरे पास ये दो हैं। अगर आपके पास पॉन्स का है तो आप पॉन्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इन क्यूट वालों का है, हनी लोशन है, कोई भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, जो ये दोनों ही है मेरे पास, इनमें से मैं कोई भी यूज़ करूँगी। आपके पास जो भी है आप वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है, कोई और है, तो आप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग देने के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे आपकी स्किन पर ग्लो आएगी और चमकदार हो जाएगी आपकी स्किन। इसको भी हम मिक्स करते हैं। चलो, हमारा मास्क तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ, लगाकर दिखाती हूँ आज आपको। काफ़ी दिन हो गए लगाकर नहीं दिखाया। अपने हाथ पे लगाकर दिखाती हूँ। एक हाथ पे मेरे मेहंदी लगी हुई है
और दूसरे हाथ पे लगा के दिखा दूं। ऐसे आपको लगाना है, चाहे तो आप ब्रश की मदद से भी आप लगा सकती हैं, अगर नहीं तो आप ऐसे लगा सकती हैं। आपने ये मास्क की तरह लगा लेना है, क्योंकि मास्क ही मैंने आपको बनाना सिखाया है, ऑरेंज मास्क। और आपको ये 15 मिनट तक ब्लीच की तरह लगा कर रखना है, उसके बाद आप उसको रिमूव कर लेना है किसी टिश्यू पेपर से। कोई आप इसमें स्पंज वगैरह यूज़ नहीं करेंगी, ना ही आप डायरेक्ट पानी से अपना फेस वॉश करेंगी, ऐसा नहीं है। आप ना टिश्यू से ही साफ़ कीजिएगा, उसको थोड़ा सा गीला कीजिएगा। ये जो गीले वाले टिश्यू होते हैं आप उससे साफ़ कीजिएगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। शुरू में ही मैंने आपको बोल दिया था कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें सबसे पहले, और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। और उसके साथ अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साथ साथ बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं किन्नू के फ़ायदे बताऊँगी, छिलके के फ़ायदे बताऊँगी। तो आज के इतना काफ़ी। अपने ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।